आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। एन इलास्टिक स्प्रिंग अंडर टेंशन ऑफ 3 न्यूटन हैज़ अ लेंथ ए, इट्स लेंथ इज बी अंडर टेंशन 2 न्यूटन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज दैट एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को हम लोग ले रहे हैं, इलास्टिक स्प्रिंग है ये, और इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है। कितनी लेंथ है, एल, ये इसकी लेंथ हो गई एल। ध्यान से देखेंगे, जब इस पर 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाती है, ए इंक्रीज हो जाती है, या ए हो जाती है, यानी कि इस पर हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, इस पर हमने कुछ क्या किया है, फोर्स अप्लाई, और ये फोर्स कितना है, 3 न्यूटन, जिससे इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, ए। लेंथ कितनी हो जाती है, ए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ कितनी हो रही है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, ए माइनस एल, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, ए माइनस एल। क्वेश्चन आगे क्या है, इट्स लेंथ इज बी अंडर टेंशन 2 न्यूटन, और जब हम लोग 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो देखते हैं हमने कितने का फोर्स अप्लाई किया है, 2 न्यूटन का, और 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर ये कितना हुआ, 2 न्यूटन। इसका फोर्स अप्लाई करने पर लेंथ कितनी हो जाती है, बी, लेंथ कितनी हो जाती है, बी, लेंथ कितनी हो जाती है, बी। ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी थी, एल, जो कि यहाँ से यहाँ तक की थी, और यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना होगा, बी माइनस एल। कितना इंक्रीमेंट होगा, बी माइनस एल। अब कह रहा है फॉर इट्स लेंथ 3a माइनस 2b, यानी कि इसकी जो लेंथ इंक्रीज हो 3a माइनस 2b, उसकी वैल्यू, उस पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ये हमको क्या करनी है, बतानी है। तो हम लोग यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल माइनस के एक्स, ये क्या होता है, माइनस के एक्स। हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया कांस्टेंट के, और एक्स कितना है, ये जो इंक्रीमेंट है ये कितना है, ए माइनस एल, ये कितना है, ए माइनस एल, और कितने न्यूटन के फोर्स पर, 3 न्यूटन के फोर्स पर। यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमने देखा कि अगर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और इस बार कितना हो जाएगा, बी माइनस एल, जैसा कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, टेंशन फोर्स बतानी है, टेंशन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, और कितने इंक्रीमेंट पर, इंक्रीमेंट इस बार हो रहा है 3a माइनस 2b, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। हमको यहाँ पर टेंशन फोर्स की क्या बतानी है, वैल्यू। चलिए क्वेश्चन को करते हैं आगे। क्वेश्चन को कैसे तरीके से करेंगे, टी इज इक्वल के, ये हो गया 3a माइनस 2b, और ये क्या है, माइनस का एल। हमें काम करना है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एडिशन, हमने क्या किया, 3l माइनस का और प्लस का क्या कर दिया, 2l, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 3l प्लस का 2l, ये कितना हो गया, माइनस एल। आगे देखते हैं, ये क्या है के, फिर हमने देखा 3a माइनस 3l, और यहाँ पर हमने देखा माइनस 2b प्लस में क्या है, 2l। अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर हो जाएगा माइनस का 2 कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, बी माइनस एल, क्या बचेगा, बी माइनस एल। अगर हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 3, और यहाँ क्या हुआ, ए माइनस एल। यहाँ पर 3 कॉमन, ए माइनस एल, माइनस का 2 कॉमन, और यहाँ क्या हो गया, बी माइनस एल। अब देखिए आगे हमारी अप्रोच क्या रहेगी, आगे हमारी अप्रोच रहेगी ए माइनस एल की जगह हम कितना पुट करेंगे, 3 बाई के। तो हमने कितना पुट किया, टी इज इक्वल के, और यहाँ पर हो गया 3 मल्टीप्लाई ए माइनस एल की जगह कितना हो गया, 3 बाई के, ये हो गया 3 बाई के माइनस। फिर हमने क्या किया, 2 और मल्टीप्लाई, और ये क्या है, बी माइनस एल, बी माइनस एल की जगह क्या हो जाएगा, 2 बाई के, कितना हो जाएगा, 2 बाई के।
के यहाँ से और यहाँ से क्या ले लिया हमने कॉमन, तो के क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, के से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हुआ 3 3 9 माइनस 2 2 4 और के से के क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, टेंशन फोर्स इज इक्वल 9 माइनस 4 इज इक्वल 5 न्यूटन, कितना बचा 5 न्यूटन, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा 5 न्यूटन। ओके okay?